क्या हम एक बार फिर तैयार रहें एक और अपसेट के लिए? आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का दूसरा मैच है, खुदा ना खास्ता आज भी बारिश होती है या आज भी डकवर्थ लुइस मेथड आता है या आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेलता है तो फिर ये सीरीज तो भूल ही जाए। वैसे हमने बात करनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन यार ठीक है, अब इंडिया भी कह रहा होगा पहले आप जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे से तो जीत जाएं, उसके बाद आप उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सोचिएगा। हाँ ये बात ठीक है कि चैंपियंस ट्रॉफी में यू नो ट्रॉफी टूर ख़त्म हो चुका है, भारत जो है जिद पे है, बट देर हैज़ टू बी सम सैनिटी नाउ इन आवर क्रिकेट नाउ। इट्स इनफ इज़ इनफ। बहुत हम तकलीफ से गुजर चुके हैं हमारे क्रिकेट फैंस, और आप सोच नहीं सकते थे, चलिए एक आधा कभी मैच हार गए जिम्बाब्वे से तो फिर ठीक है, लेकिन पिछले दो सालों में इतनी ज़्यादा खराबी हो चुकी है कि हम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, हम अभी जिम्बाब्वे से हार गए, तो फिर ऐसे में यू नो हम क्या कर सकते हैं? अब ऐसे में बार बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर फॉल्ट्स क्या हैं, इशू क्या आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो करेंगे यार, बात वो मसला नहीं है, वाकिफ नहीं है, लेकिन इशू सॉर्ट आउट नहीं किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं हो रहे सॉर्ट। के खिलाड़ियों को आपने बाबर को कर दिया बाहर, जीत जाए अब वो भी नहीं हो रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अवेस साहब हमारे साथ मौजूद है। अवेस भाई अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का दूसरा वनडे है जिम्बाब्वे से और बहुत ही एक्साइटमेंट है हमें, आज डू और डाई की सिचुएशन है, पाकिस्तान को आज जीतना है। कभी दे यूज टू बी ब्रेड एंड बटर फॉर अस, लेकिन अब हम इनके साथ भी तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। अवेस भाई क्या उम्मीदें हैं आपकी आज के दूसरे वनडे से? हाँ देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि आप पिछला मैच हारे हैं, बल्कि वो कहते हैं ना पाकिस्तान टीम इसलिए जानी जाती है कि एक जगह से आप खुशी देते हो पाकिस्तान को, जो हजम अभी हो नहीं रही होती तो आप अचानक एक हार्ट अटैक दे देते हो कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, इसलिए आप टीवी ना देखें। ये सूरत हाल हमारी कहीं ना कहीं टीम की बनती है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी आपकी पिछले मैच के अंदर, ये आपको शायद मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत से प्रोग्राम से मैंने बात की थी कि जिस वक्त पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 140 चेस कर रही थी वो लो स्कोरिंग टोटल था। लो स्कोर टोटल की बात करें तो बहुत कम ऐसे होता है कि लो स्कोर टोटल के अंदर आपकी टीम जो हैं वो मुश्किलात में होती हैं, कुछ बहुत कम होता है कि वन साइडेड मैच हो आपका जो सा आपको ज्यादा नजर आए या आपको चेज करते थोड़े से मुश्किलात हो, ज्यादातर इजीली चेज होता है। लेकिन जब 200 स्कोर पड़ेगा पाकिस्तान को, 250 पड़ेगा, जब चेज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इतनी सख्त है वो आपको बैटिंग ऑर्डर के अंदर नजर आ गया, क्योंकि जिस वक्त आपने 200-250 चेज करना है तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको पावर प्लेस के फायदा उठाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट वही इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स की बात करें ज्यादा फ्रीक्वेंट आपके स्कोर हो नहीं रहा। उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात करें, मिडल ऑर्डर आपका इतना सॉलिड लगता नहीं है आपको। आज थोड़े से आपने चेंजेस किए हैं, तैयब ताहिर को आप लेके आए, थोड़ा अग्रेसिव खेलने वाला लड़का है, लेकिन क्या बाहर से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने अग्रेसिव जाके अंदर खेलना है? क्योंकि मैंने फिर कहा आकिब जावेद का कुछ और अपना, आपको पता है यहाँ पर आकिब भाई भी कह चुके हैं कि स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा मेंटेन नहीं करता, स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है भाई पूरी दुनिया, आप देखें स्ट्राइक रेट्स पे काम पर जा रही है। T20 के अंदर 300-300 स्कोर हो रहा है, 225 स्कोर हो रहा है, आज भी हम वहां पर ही बैठे हुए कि हम लोग 140-130 करके खुश होते हैं। वनडे की बात करें, वनडे में 350 स्कोर होता है, आज भी हमारी टीम वही 225 के ऊपर टिकी हुई है। तो आपको इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। 3-3.5 महीने रह चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी तक यही सूरत हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 की जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा वो कौन होगा, जो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक बात आ जाती है। दूसरी टीमें 5-5-6-6 महीने पहले, साल पहले पता होता कि लड़का खेलने वाला है, हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही कि कौन सा लड़का कौन सा जगह पर सेट होगा, क्योंकि आपके पास जो स्पेसिफिकली मिडल ऑर्डर की बात करूं जहां पर आपको फायर पावर चाहिए, आपके पास फायर पावर वाले लड़के नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट एक ट्रूथ है, आपको मानना पड़ेगा, आपके एक्स क्रिकेटर्स भी इस चीज पे कह चुके हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने कोई लड़का प्रोड्यूस ही नहीं किया जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जोन सी उसके ऊपर टेक्निक पे चल सके। अच्छा वैसे अवैस, ये आखिर हो क्या रहा है? पहले इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई, फिर ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज हराई, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में ही हुआ कि जिम्बाब्वे से हार के बैठ गए हम। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ आप अच्छा खेले, क्रेडिट आपको ठीक है जाता है, लेकिन हमारा एक छोटा सा एक मसला ना कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम लोग सिर्फ एक चीज याद रखते हैं कि जी एक बंदे ने आके कहा स्पिनिंग ट्रैक बना दो, ग्रास को उड़ा दो, स्पिनर्स ले आओ, देखते हैं जी टीम कैसे जीती है आपकी, आपने चले वो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा किया आपने, जीत गए। अगर मैं डोमेस्टिक की सूरत हाल बताऊं इस वक्त पाकिस्तान में जो कायद आजम ट्रॉफी चल रही है, क्योंकि आपने यहीं से लड़के निकालने होते हैं ना, जो फायर पावर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने निकालने होते हैं लड़के जो आगे जाके स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं। आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने ग्रास को उड़ा दिया,
आप इस वक्त डोमेस्टिक की अगर बात करें तो डोमेस्टिक के अंदर आपने ज्यादातर ग्रीन टॉप विकेट्स रखी हैं, जहां पर बॉलर्स परफॉर्म करें, बैट्समैन आपके तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ये जो डुअल स्टैंडर्ड है मुझे इसलिए तो समझ में नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट आखिर जा किस तरफ रहा है। आप अगर बात करें इंडिया की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, इनके पास फायर पावर क्यों आ रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक में और खास करके यूथ क्रिकेट में उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडियन टीम की आप बात करें, अभी आप लड़के उनके उठा के देख लें जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त भी दी है, उनके T20 के प्लेयर्स आप देखें, उनका डोमेस्टिक में और खास करके U19 के अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंसेस लेके आते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लड़के इसलिए तो निकल रहे हैं वहां से। हमारा मसला ये है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल में पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और दिखाते हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर आप कुछ और दिखाते हो। भाई आपने बात करके ना मेरा जख्म छेड़ दिया। ग्रास रूट लेवल की अभी एक ट्रॉफी हो रही थी और उसमें जो वहाँ पे लड़कों को रिहाइश दी हुई थी और जो वॉशरूम्स थे ना, वो अगर हम दिखा देना यहाँ पे तो फिर सब पता चल जाएगा कि हम कितना तैयार हैं होस्ट करने के लिए। छोड़ें उस बात को। अच्छा, आई वॉन्ट टू पिन पॉइंट समथिंग ओवर हेयर। प्रेशर से किस तरह निकलना है अब हमें सीखना होगा बाकी टीम से। एंड आई हेट टू कंपेयर, बट नाउ आई हैव टू कंपेयर विद इंडिया। पहली इनिंग्स में जब इंडियन चिप्स वर डाउन, उस वक्त मेरे ख्याल से 6 या 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ऋषभ पंत ने उस वक्त निकल निकल के मारना शुरू कर दिया था और उसकी ही इनिंग्स की बदौलत फिर आगे लीड भी मिली और सारी चीज़ें। पहले मैच में मैं इस वक्त डिसमिसल्स सारे देख रहा हूँ, सारे डिसमिसल्स। एक वनडे टूर्नामेंट में हम रोकने पे जा रहे हैं, सिकंदर रजा को नहीं खेल पा रहे। बस सिकंदर रजा मुरलीधरन थोड़ी है, फॉर गॉड सेक यार। मैंने आपको यही कहा ना, जब आपका माइंडसेट जोन सा है वो बना हुआ ही नहीं है अग्रेसिव क्रिकेट की। जब आप बात करते हैं, मसला सारा का सारा हमारा क्या, हमारी अप्रोच क्या। चले अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, बहुत से लोग मुझसे नाराज होते हैं कि जी साइम अय्यूब के बारे में आप क्यों कहते हैं। साइम अय्यूब को तो अभी दूसरा तीसरा वनडे खेलने में हुआ। यार कितने टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि उसकी शॉर्ट सिलेक्शन और खास करके जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आखिरकार वो चाह क्या रहे हैं। इतनी बड़ी पलंगा तो केस स्टडी का बन गया, फिर भी आपने उसको अपने साथ रखा हुआ है। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, ठीक है, जब अब्दुल्ला शफीक का स्टांस ऐसा है, लिटरली अगर वो किसी U19 या पाकिस्तान या किसी भी ट्रायल के लिए जाए ना, तो बंदा उसका स्टांस देखे कि हाँ यार ये लड़का सेलेक्ट होने वाला है। लेकिन जब आप इन डेप्थ जाके देखते हो तो उसकी इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। मसला यह है कि हम लोग लड़के हमारे पास डोमेस्टिक में अगर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसका स्ट्राइक रेट 150 होता है, 140 होता है, हम उसको पाकिस्तान टीम में लेके ही नहीं आते। मुझे पता है बहुत से लोग इख्तलाफात करेंगे। हारिस की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस आपको याद हो, मोहम्मद हारिस को हम लेके आए थे पाकिस्तान का, हमने एक उसको कैप्टन भी बनाया, हमने कहा ये 150 के प्लस अपना स्ट्राइक रेट से लड़का खेल रहा है, हम उसको अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिए हारिस को। ये लड़कों को हर्ट करती है डोमेस्टिक के अंदर बैठे हैं। वो कहते हैं आखिरकार आप लोग एक मैसेज हमें क्या दे रहे हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आती कि हमने खेलना कहाँ पर है जाके। हम जब 150 के स्ट्राइक रेट को भी टच करते हैं आप हमें ड्रॉप कर देते हैं टीम से। इसलिए डोमेस्टिक में जब आप PSL के अंदर आप करते हैं ना, हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करते हैं, हाईएस्ट बैट्समैन की बात करते हैं, इसलिए इम्प्रोवाइजेशन डोमेस्टिक में भी लाने की जरूरत है कि हाई स्ट्राइक रेट बैट्समैन को क्या आप रिवॉर्ड देते हो। तब आई वुड लव टू टॉक मोर अबाउट हारिस, उनको जो ए टीम का कैप्टन बनाया था, कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हुए, बट वी हैव शॉर्ट टाइम। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले सेशन में जरूर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जिस तरह का फायर पार चाहिए, फखर जमान बार बैठे हुए, मोहम्मद हारिस को एक टीम का कैप्टन बनाया लेकिन वो चलते फिरते बोल्ड हो रहे थे वहाँ पे। वी हैव टू लुक इन टू द रैंक्स, वरना यही खुशी है पाकिस्तानियों की क्रिकेट वो भी हमसे छीन ली जाएगी। खुदा ना खास्ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।